Hello everyone, I am Basi Sajjad from SBS College of Nursing, Firozpur, student of BSc Nursing first year. Today I am going to talk about the pandemic situation created by the coronavirus' its general structure and the precautionary measures to contain it. First of all, tell you, there have been 23,31,099 confirmed cases till now. There have been 5,98,584 recoveries, and unfortunately, एक पॉइंट छ लाख लोगों को हमने खो दिया है सो इट्स अ पेंडेमिक सिचुएशन सबसे पहले इस वायरस से लड़ने के लिए हमें इसके स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि वायरस होता क्या है वायरस को हम कहते हैं कि यह ओब्लीगेट इंट्रा सेल्युलर मेटीरियल है ओब्लीगेट इंट्रा सेल्युलर मेटीरियल वो मेटीरियल हो, होता है जो सिर्फ सेल के अंदर जिंदा रह सके सेल के बाहर द मेटीरियल इज कंसिडर्ड टू बी एज नॉन लिविंग दूसरी चीज याद रखनी है जो जेनेटिक मटेरियल यानी न्यूक्लिक एसिड होता है वायरस में या डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है दोनों कभी नहीं हो सकते इन केस ऑफ कोविड नाइनटीन इट्स ऑलवेज आरएनए सबसे पहली बात आरएनए वायरस से हम लड़ रहे हैं और वो आरएनए जो है वो इन मोस्ट ऑफ द केसेस सिंगल स्ट्रेन आर है लेकिन कुछ केसेज में डबल स्ट्रेन आर भी रिपोर्ट हुआ है उसके बाद जनरल स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे सबसे पहले जो कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर है इसे कोरोना क्यों कहा जाता है क्योंकि इट इज लाइक ए क्राउन और क्राउन में सबसे पहली चीज है the, और वो स्पाइक्स जो है वो एक प्रोटीन है उस प्रोटीन को नाम दिया गया है स्पाइक प्रोटीन स्पाइक प्रोटीन हेल्प करती है कोरोना वायरस को में एंटर होने के लिए सो so, जो वैक्सीन बनेगा उसका मेन टारगेट जो होगा वो यही स्पाइक्स होंगी फिर दूसरी प्रोटीन होती है जिसे एन प्रोटीन कहते हैं एन प्रोटीन का क्या काम है एन प्रोटीन हेल्प इन वायरल ट्रांसक्रिप्शन यानी जो ट्रांसक्रिप्शन है जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होता है दैट मीन्स कि अगर आर एन ए से हम कॉम्प्लीमेंट स्ट्रेन बना रहे हैं उसमें हेल्प करता है सो इट्स ए वाइटल प्रोटीन इसे मल्टी फंक्शनल प्रोटीन भी कहते हैं इन केस ऑफ कोरोना वायरस उसके बाद और एक प्रोटीन होती है जिसे एनवलप प्रोटीन कहते हैं सो एनवलप प्रोटीन इन केस ऑफ कोरोना वायरस इट्स ऑल्सो ए मल्टी फंक्शनल इसके भी दो तीन फंक्शन है एक फंक्शन इसका है एनवलप प्रोटीन फॉर्म्स एनवलप जो बेसिक एनवलप होता है जिसे कैप्सिड कहते हैं इन केस ऑफ वायरस वो कैप्सिड फॉर्मेशन करती है इन केस ऑफ कोरोना वायरस एंड हेल्प इन मींस जो पैथोजेटी ऑफ वायरस है वो इसे इंक्रीज करती है दैट्स एनवेलप प्रोटीन हेंस इट्स वाइटली इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ दिस वायरस उसके बाद और एक पार्ट है इस कोरोना वायरस का दैट्स हिमाग्लूटिन इन एस्टिरेट डाइमर नो व्हाट इज हिमाग्लूटिनूटिन इन एस्टेरेट डाइमर कुछ वायरस ऐसे वायरस होते हैं जो सिर्फ सियालिक एसिड के साथ मिलके काम करते हैं और जो ये हमारा वायरस है कोरोना uh, वायरस ये भी उन्ही वायरस में से एक वायरस है सो so, जो इंक्यूब्यूशन पीरियड कहते हैं हम दो से चार दिन सिम्टम्स आने को लगते हैं या हम कहते हैं थर्टीन टू फोर्टीन डेज में भी सिम्टम आ सकते हैं वो सिम्टम्स इसलिए लेट आते हैं कि जो हमारा हिमाग्लूटेन स्टेरेट डायमर है वो रिवर्सिबल अटैचमेंट फॉर्म करता है सियालिक एसिड के साथ और फिर सिम्टम्स अराइज होते हैं सो इट इज द मेन इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ करोना वायरस उसके बाद क्या सिम्टम्स होंगी सबसे पहले कुछ पेशेंट ऐसे होंगे जो असिम्टमेटिक रहेंगे जिनमें कोई सिम्टम नजर ही नहीं आएगा बिकॉज ऑफ दियर इम्यूनिटी उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी कोई सिम्टम नजर नहीं आएगा वो कैरियर होंगे कोविड नाइनटीन के लेकिन सिम्टम कोई नजर नहीं आएगा इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है हमें घर पे रहना है कोई पता नहीं कौन इफेक्टेड है और कोई कौन नहीं है जो सबसे पहला सिम्टम है वो है फीवर ग्रेड फीवर विद ड्राई का। अगर किसी को हाई ग्रेड फीवर होता है उसके साथ खांसी हो रही है इट मींस ही माइट बी सफरिंग फ्रॉम दिस वायरस उसे मेडिकल ट्रीटमेंट uh, की जरूरत है बाकी भी इसके बहुत सारे सिम्टम हैं, जैसे बॉडी पेन हो सकती है नेजल कंजेक्शन हो सकती है रनिंग नोज हो सकता है सुअर थ्रोट हो सकता है और कुछ केसेस में डायरिया भी हो सकता है अगर एक्यूट इलनेस हो जाए तो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स जैसे कि सांस लेने में दिक्कत हो सकती है सो so, अभी तक कोई भी प्रॉपर ट्रीटमेंट हमारे पास नहीं है दियर इज ओनली वन वे टू प्रिवेंट दैट वे इज मेंटेनिंग सोशल डिस्टेंसिंग एंड रिमेनिंग एट होम हैंड वॉशिंग फ्रीक्वेंटली करनी है जब भी छींक आए या खांसी आए उस वक्त अपने फेस को कवर करना है बिकॉज ड्रॉपलेट से इंफेक्शन फैल सकता है ट्रीटमेंट इसका अभी तक कोई भी नहीं है दो चीजें आप कर सकते हो एक अपनी सेल्फ केयर कर सकते हो सेल्फ केयर में इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं। अभी तक हम जैसे कहते हैं जैसे अभी तक मिथ्स हैं बहुत सी मिथ्स हैं विनेगर खाओ आधे कहते हैं नीम खाओ आधे कहते हैं अदरक खाओ आधे कुछ और कहते हैं लेकिन दीज आर ऑल इम्यूनिटी बूस्टर्स इससे कोरोना वायरस ट्रीट नहीं होता एक दो इम्यूनिटी बूस्टर्स जो कॉमन है वो मैं आपसे बता देता हूं सबसे पहले ट्राई टू बी हाइड्रेटेड अपने आप को ज्यादा से ज्यादा हाइड्रेटेड रखें जितना पानी जितना जूस जितना फ्लूड आप पी सकते हैं उतना पिए प्रॉपर रेस्ट लें बिकॉज रेस्ट बूस्ट अवर इम्यूनिटी अच्छी तरह से नींद करें जितनी नींद आप कर सकते हैं इट विल इट विल बूस्ट यूअर इम्यूनिटी अगेन और इसके साथ साथ प्रॉपर डाइट लें इन दिनों डाइट प्रॉपर डाइट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर बूस्टिंग यूर इम्यूनिटी सबसे पहले यही करें कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें अपने आप को भी बचाएं और मिलके हम पूरे देश को पूरी दुनिया को इस जो बीमारी फैली है इससे हम बचा सकते हैं बी एट होम बी सेफ थैंक यू